हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं, अगर आप पंजाब नेशनल बैंक का स्टेटमेंट निकालना चाहते हैं और आप उसे पीडीएफ फाइल में डाउनलोड कर या फिर आप किसी को भेजना चाहते हैं या फिर अपने मोबाइल में सेव करना चाहते हैं, तो किस तरीके से आप कर पाएंगे, तो चलिए जान लेते हैं। इससे पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ऐसे ही वीडियो देखने के लिए, और आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। ठीक है, बहुत ही सिंपल स्टेप में आप यहां पर स्टेटमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले मैं यहाँ पर पीएनबी यूएन एप्लीकेशन को कर लेता हूँ अपने फ़ोन में ओपन। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, मैंने यहाँ पर पीएनबी वन एप्लीकेशन का ये एप्लीकेशन अपने फ़ोन के अंदर ओपन कर लिया है, और आपको मैं यहाँ से नीचे से ऊपर की तरफ स्क्रॉल करके दिखा रहा हूँ, तो आपको यहाँ पर स्टेटमेंट डाउनलोड करने का ऑप्शन कहीं पर भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आपको कहाँ से करना है, ठीक है, आपको जिस भी अकाउंट का यहाँ पर करना है, जैसे कि आपके पीएनबी वन एप्लीकेशन में कई सारे अकाउंट होते हैं, ठीक है, जैसे कि सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, इसी के साथ में डिपॉजिट अकाउंट, ठीक है, इसी के साथ में यहाँ पर लिंक अकाउंट मिल जाएंगे। ठीक है, अब आपको जिस भी अकाउंट की यहाँ पर हिस्ट्री यानी कि स्टेटमेंट निकालना है, तो आपको करना क्या है, उस पर आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपके सामने कुछ इस तरीके से आ जाएगा, तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, इस पर आप सिंपली क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में आपके सामने कुछ इस तरीके से आएगा, फिर आपको मिल जाएगा यहाँ पर गेट स्टेटमेंट। ठीक है, इस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। अब आपके सामने फिर कुछ इस तरीके से आ जाता है, तो आपसे पूछा जा रहा है जैसे कि सो लास्ट ट्रांजेक्शन। ठीक है, अगर आप उसकी यहाँ पर हिस्ट्री निकालना चाहते हैं, तो इस पर ही आप यहाँ पर सिंपली क्लिक कर सकते हैं, या फिर जैसे कि लास्ट की यानी कि एक ही ट्रांजेक्शन की या फिर 10 ट्रांजेक्शन निकालना चाहते हैं, फिर आप यहाँ पर 50 ट्रांजेक्शन निकालना चाहते हैं। ठीक है, या फिर आप इस तरीके से यहाँ पर निकाल सकते हैं लास्ट वीक के, ठीक है, या फिर लास्ट मंथ के, या फिर आप खुद से यहाँ पर कस्टमाइज कर सकते हैं। ठीक है, डेट आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि किस डेट से किस डेट में आपको निकालना है। ठीक है, तो वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं और ओके कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि 9 मंथ से हम 10 मंथ तक का यहाँ पर निकालेंगे, तो आप यहां पर इस तरीके से भी कस्टमाइज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में आप यहां पर ट्रांजैक्शन अमाउंट, ठीक है, वो भी आप यहां पर सिलेक्ट कर सकते हैं कि भाई इतने से इतने के बीच में जो अमाउंट है, ठीक है, वो आपको यहां पर दिखना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप यहां से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि मैं यहाँ पर डाल देता हूँ 1000 या फिर 1000, ठीक है, इस तरीके से। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर दिया, उसके बाद में आपको निकालना यानी कि सभी की है, यानी कि क्रेडिट हुआ भी हो और डिपॉजिट भी हुआ वह हो, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कोई आपको यहाँ पर निकालनी है, तो आपको यहाँ पर आल पर ही सिलेक्ट रहने देना है, या फिर आप क्रेडिट हुआ हुआ जो आपके अकाउंट से है उसको आपको यहाँ पर डिटेल निकालनी है, तो वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं इस तरीके से, या फिर डिबिट हुआ हुआ निकालना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आप यहां पर अपने हिसाब से इसमें सारे तरीके के कस्टमाइज का ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, और अपने हिसाब से यहां पर निकाल सकते हैं। तो चलिए, मैं यहां पर अभी लास्ट मंथ की यहां पर निकालने वाला हूं सीधे सीधे, और मैं आल पर सिंपली क्लिक कर देता हूं। ठीक है, उसके बाद में हम यहां से व्यू स्टेटमेंट पर हम सिंपली क्लिक करेंगे। आपके सामने फिर कुछ इस तरीके से आ जाएगी डिटेल, आपको यहाँ पर पीडीएफ फाइल का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर आप सिंपली क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में आपके सामने कुछ इस तरीके से आ जाएगा, डेट आ जाएगी, ठीक है, और इसी के साथ में आपका अकाउंट नंबर है, तो यहाँ पर आपको 4 जो कि पीछे के अंक आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, इसी के साथ में यहाँ पर ये बोला जा रहा है ऑन चेक ए पासवर्ड प्रोडक्ट है, ठीक है, यानी कि जो आपकी पीडीएफ फाइल है वो पासवर्ड है। ठीक है, यानी कि आपको उसमें पासवर्ड डालना होगा। उसके बाद में आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है पीडीएफ विल बी डाउनलोडिंग ऑन योर डिवाइस, ठीक है, द पासवर्ड फॉर द पीडीएफ फाइल विल बी योर अकाउंट नंबर। ठीक है, कहने का मतलब है जो आपका अकाउंट नंबर है वही आपका यहाँ पर पासवर्ड होगा। तो चलिए, हम यहाँ पर सिंपली क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद में आपके सामने कुछ इस तरीके से आ जाएगा, डाउनलोडिंग देखा था आपने, सक्सेस हो चुकी है। अब आपको यहाँ पर आपकी, अगर आप फ़ोन से कर रहे हैं तो आपको फ़ोन में कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं कि आप किसके थ्रू यहाँ पर ओपन करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ आपसे कहूँगा कि आप पीडीएफ फाइल के ही थ्रू यहाँ पर आप ओपन करें, तभी आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो चलिए मैं इस पर सिंपली क्लिक कर देता हूँ।
क्लिक करने के बाद में हम यहाँ पर अपना अकाउंट नंबर डाल देते हैं और हम ओपन कर लेते हैं। ओपन पर सिंपली क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद में आपके सामने जो पीडीएफ फाइल है वो यहाँ पर ओपन हो जाएगी और आप यहाँ पर अपने सारे के सारे ट्रांजैक्शन देख सकते हैं एक मंथ तक के, ठीक है। उसके बाद में अगर आप इसे खुद से सेव करना चाहते हैं, खुद से कस्टमाइज करके, तो आप थ्री डॉट पर सिंपली क्लिक करेंगे और आप यहाँ पर प्रिंट के ऑप्शन पर सिंपली क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में अब आप यहां पर कितनी यानी कि पेजों की यहां पर अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन कौन से पेज आप यहां पर यानी कि प्रिंट करना चाहते हैं। तो ठीक, अगर आपको हटाना है तो आपको इस तरीके से अनटिक्स कर देना है। उसके बाद में आप यहां पर सेव पर सिंपली क्लिक कर देंगे तो जो आपका पासवर्ड है वो भी यहाँ से हट जाएगा, ठीक है। आप अपने हिसाब से यहाँ पर कस्टमाइज नेम कर सकते हैं, जो भी करना चाहते हैं, ठीक है, एक्स वाई जेड, ठीक है। उसके बाद में आप यहाँ पर सेव कर देंगे तो से इतना करने के बाद जो आपका पासवर्ड है वो उस पीडीएफ फाइल से हट जाता है और उसके बाद आप किसी के भी पास भेज सकते हैं या फिर आप यहाँ पर पासवर्ड भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो पासवर्ड किस तरीके से लगाना है मैंने इस पर पहले ही वीडियो बना दी है, तो उस वीडियो को देखकर आप किसी भी पीडीएफ फाइल पर पासवर्ड लगा सकते हैं या फिर पासवर्ड की ही पीडीएफ फाइल आप भेज सकते हैं। और मैंने आपको ये बता ही दिया है कि आप पासवर्ड और अनपासवर्ड की पीडीएफ फाइल किस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और आपके मन में फिर भी किसी प्रकार का कोई भी सवाल है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।